नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं नेहा परिहार। आज हम आपके सामने एक ऐसा वीडियो पेश करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी हैरानी में पड़ जाएंगे। खबर का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के संभल से है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हर इंसान की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस चंद नोटों के लालच में इंसान की मजबूरी का फायदा उठाती है। सबसे पहले वीडियो नंबर एक देखिए। आज इधर ले अपनी देख ले बच्चा। ना ऐसे मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा है कुछ कही नहीं था। पहुंचा दूंगा सवेरे 10 बजे पहुंचना। मैं आप दरवाजे खोलोगे ना गुआ टाइम पहुंच जाऊंगा। मुझे रात को नींद नहीं आती है। हालांकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पीड़ित की आबिती बताती है कि इस वीडियो में काफी हद तक सच्चाई है। वीडियो जुलाई का बताया जा रहा है, जब दरोगा साहब संभल के रजपुरवा में तैनात थे। बारिश आ गई। बारिश तो बढ़िया आ जाती। टोकोला जी ने हैवी पैक दे दिए मनिया को। मनिया खिल गया एकदम। पैक लेते ही जाते अब खाना आया। टोकोला जी बोले हम तो केवल लेग पीस ही खाएंगे। केवल लेग पीस चाहिए हमें। होटल वाला बुलाया, सुन केवल मुर्गा के लेग पीस है, इसके अलावा कुछ मत नहीं। कैमरे में कैद ये दरोगा की करतूत संभल की है, जिसमें शौकीन दरोगा किशनवीर पीने को दारू, खाने को बकरा और मछली मांगता है। जब तो हल्का ना ले तुम लियो यार। अरे जब तो हम अब ले रहे हैं तो हम का दो ही पैक हैं यार। तीन पैक है। आधा कर लेना बस। अब इतनी बहुत है। अरे इतनी नहीं दाने तुम लोग से। इतना आधा कर लो। आधा इतना पीने वाला। दरोगा एक दे दो। अरे हम तो ले लिया। हम तो थोड़े से ले लो। थोड़ी सी ले दो। रिश्वतखोर दरोगा रिश्वत में कैश मांग रहा है। ये वीडियो और किसी ने नहीं बल्कि खुद दरोगा से पीड़ित व्यक्ति ने वायरल किया है। हालांकि वीडियो जुलाई का बताया जा रहा है, उस वक्त ये रिश्वतखोर दरोगा रजपुरवा में तैनात था। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन ये वीडियो उसके कारनामों की पोल खोल रहा है। देख ले बच्चा। ना ऐसे मैं पहुंचा दूंगा। ऐसा है कुछ कही नहीं था। पहुंचा दूंगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कानपुर। लाठी डंडों से चल रही ये मारपीट बर्रा थाना क्षेत्र के गुजौनी गांव की है, जहां मामूली से विवाद को लेकर जमकर लाठियां चली। पूरा वीडियो देखिए। मारपीट की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ये तस्वीर इटावा के भीमराव अंबेडकर जिला संयुक्त चिकित्सालय की है, जहां एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति जहर खुरानी गिरोह का शिकार हुआ, लेकिन जब उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया तो अफसर शाही की लापरवाही की ऐसी पोल खुली कि सब देखकर हैरान रह गए। जहर खुरानी का शिकार हुए व्यक्ति को बेहोशी की हालत में बेड पर हाथ पैर बांध कर लिटा दिया गया और सवाल करने पर स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अफसरों ने चुप्पी साध ली। कन्नौज में एक भीड़ के अंधे इंसाफ की वीडियो सामने आई है। भीड़ में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक चोर को गांव की भीड़ पीट रही है। ये पूरा मामला तिरवा क्षेत्र के अशोक नगर मोहल्ले का है। इतना ही नहीं, चोर की इत्तला जब पुलिस को दी गई तो पुलिस ने भी चोर को पब्लिक के सामने थप्पड़ मारना शुरू कर दिया।
पब्लिक के इस तालिबानी सजा में चोर के पहले तो पैर बांधे गए और बाद में उसे लाठी डंडों से पीटा गया। अब सवाल उठता है कि आखिर भीड़ तालिबानी सजा देने वाले को इजाजत किससे मिली और किसने दी। वायरल इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।